आज हम महाराष्ट्र के भूतपूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की विदाई पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने 23 जनवरी को पद छोड़ने का ऐलान कर दिया था। कोश्यारी ने सोशल मीडिया पर लिखा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैंने सभी राजनीतिक जिम्मेदारियां छोड़ने की इच्छा जाहिर कर दी है। वो भूल गए थे कि राज्यपाल का पद राजनीतिक नहीं होता, वो उस पद पर बैठकर राजनीति करके उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाते रहे और इसीलिए उनकी इस भूल पर शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने क्या कहा, ये आप खुद संजय राउत से ही सुनिए। इस देश में लगभग 16 या 17 राज्यपालों के ट्रांसफर्स या इस्तीफे मंजूर हुए हैं, उसमें से एक महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। लगभग एक साल से ज़्यादा हो गया कि महाराष्ट्र की जनता राज्यपाल के खिलाफ आंदोलन कर रही है, उनके वहाँ यहाँ से बदलने की मांग कर रही है। इसलिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज हो, सावित्रीबाई फुले हो, उनके बारे में जो वक्तव्य किया, महाराष्ट्र के बारे में जो राज्यपाल महोदय ने वक्तव्य किया, उससे यहाँ की जनता नाराज है। अगर राज्य की जनता की आवाज़ सुन लेती तो तुरंत उनका तबादला होता, लेकिन नहीं किया। आखिरी मिनट तक राज्यपाल का समर्थन केंद्र सरकार करती रही, ये महाराष्ट्र कभी भूलेगा नहीं। और आज सामुदायिक जो तबादले हुए है उसमें महाराष्ट्र के राज्यपाल का तबादला हुआ है। दोस्तों, कोश्यारी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री से बताया कि मैं सभी राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त होकर बचा हुआ जीवन लिखने पढ़ने और दूसरी गतिविधियों में बिताना चाहता हूँ। ये काम तो वो राजभवन में भी रहकर कर सकते थे, किसने मना किया था कि वो लिखे नहीं, पढ़े नहीं और दूसरी सामाजिक गतिविधियों में सम्मिलित ना हो। मगर वो कुछ और ही करते रहे, इसकी उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। कोश्यारी ने 19 नवंबर को औरंगाबाद में शिवाजी को पुराने दिनों का आइकॉन कह दिया और नितिन गडकरी को नए जमाने का आइकॉन बताया। इस बयान के बाद विपक्ष उन पर हमलावर हो गया और इस्तीफा मांगने लगा। इस पर भाजपा के समर्थन से महाराष्ट्र में सरकार बनाने वाले शिंदे गुट ने भी कोश्यारी के बयान का विरोध किया और उनको कहा कि वो महाराष्ट्र के बारे में बहुत कम जानते हैं, इसलिए जो है वो अपनी जबान को बंद रखें। भगत सिंह कोश्यारी ने मुंबई के एक कार्यक्रम में मुंबई की आर्थिक राजधानी होने का क्रेडिट यहाँ रहने वाले राजस्थानियों और गुजरातियों को देते हुए कहा था, महाराष्ट्र से विशेषकर मुंबई और थाने से गुजरातियों और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसा बचेगा ही नहीं, ये आर्थिक राजधानी कहलाएगी ही नहीं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान पर बहुत ही तीखा प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि राज्यपाल ने महाराष्ट्र में हर चीज का आनंद लिया है, अब समय आ गया है कि वो कोल्हापुरी चप्पलें भी देखें। इसके बावजूद भाजपा को उनके जाने का दुख है और उस दुख को भाजपा के पर्यटक मंत्री मंगल प्रसाद लोढ़ा ने किस तरह व्यक्त किया, ये आप खुद उन्हीं से सुनिए। माननीय कोश्यारी साहब ने पहले से ही कहा था कि मुझे अभी यहाँ से मुक्त करिए और वो उनकी विनती पेंडिंग थी राष्ट्रपति जी के पास में, तो माननीय राष्ट्रपति महोदय ने कल प्रोसीजर पूरे करके कल उसको एक्सेप्ट किया है और नए राज्यपाल अभी आ गए हैं, तो हम उनका नए राज्यपाल का स्वागत करते हैं। और इन्होंने अपने समय में यहाँ पर बहुत एक्टिविटी रोल किया, जनता के राज्यपाल बन के रहे, लोगों के साथ में रहे, राज्यपाल के दरवाजे उन्होंने सबके लिए खोल दिए। उनके ऊपर जो कुछ भी टारगेट किया गया था वो व्यक्ति के ऊपर कम था, उस संस्था के ऊपर टारगेट था जो कि विरोधी पक्ष के लोग समझते हैं कि उनका काम है, जो कि सच नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाओं को इन बातों के लिए बख्शना चाहिए, फिर भी ये किया गया। राज्यपाल का पद एक सॉफ्ट टारगेट होता है, उनके ऊपर कुछ भी कहा जा सकता है, उनकी वापस जवाब देने की लिमिटेशन होती है और इसके लिए जो बीत गया वो कल अभी उसको छोड़ देते हैं, पर वो नहीं होता तो ज्यादा अच्छा रहता था। राज्यपाल का पद गरिमा का पद होता है, लेकिन वो कहते थे राज्यपाल जो बीजेपी जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि राज्यपाल जो बीजेपी का काम। देखिए, ये कहना करना बहुत आसान है,
कई कांग्रेस के बड़े नेता भी राज्यपाल रहे हैं, तो हमने तो किसी ने नहीं कहा कि वो कांग्रेस के, जब कांग्रेस के थे तब थे, बाद में राज्यपाल बन गए तो राज्यपाल मोदी हैं, वो इनके साथ भी था। पर ठीक है, सबको अपना अपना तरीका है बात करने। भाजपा को ये लगता है कि कोश्यारी के जाने से उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया, हालांकि वो जब तक यहाँ थे उन्होंने भाजपा का सिर्फ एक फायदा किया कि सुबह 5 बजे अजीत पवार के साथ जो है वो इनकी हलफ बर्दारी करा दी, इनका शपथ ग्रहण करा दिया। लेकिन वो मामला भी नहीं चला, 36 घंटे के अंदर अजीत पवार वापस चले गए और जो दूसरी सरकार दूसरी बार बनी थी फडणवीस की सरकार वो गिर गई। तो जो फायदा उन्होंने पहुंचाया था भाजपा को, वो फायदा से भाजपा कोई खास उपयोग नहीं कर सकी। और सच्चाई तो ये है कि कोश्यारी के चले जाने से भाजपा का फायदा हुआ है, क्योंकि वो अगर कुछ दिन रहते तो अपने कंट्रोवर्शियल वक्तव्यों से भाजपा का नुकसान ही करते और इससे विपक्ष का फायदा ही होता, उसको भाजपा पर हमला करने का अवसर मिलता रहता। इसके बावजूद शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने ट्वीट करके उनके जाने पर खुशी व्यक्त की और क्या लिखा आप आगे सुनिए। खुशी जाहिर करते हुए लिखा कि महाराष्ट्र की बड़ी जीत, महाराष्ट्र विरोधी राज्यपाल का इस्तीफा आखिरकार मंजूर, छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई फूले, हमारे संविधान, विधानसभा और लोकतांत्रिक आदर्शों का लगातार अपमान करने वाले को राज्यपाल के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हाँ तो दोस्तों, भगत सिंह कोश्यारी की होशियारी नहीं चली और उन्हें खुद जो है वो यहाँ से चलते पड़ना पड़ा। इस पर गालिब का ये शेर याद आता है, निकलना खुल्द से यानी निकलना जन्नत से, आदम का सुनते आए हैं लेकिन, गालिब कहते हैं निकलना खुद से आदम का सुनते आए हैं लेकिन, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो भगत सिंह कोश्यारी साहब का महाराष्ट्र से जाना या बंबई से जाना इसी शेर की तरह है। हाँ तो दोस्तों, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें बताएं, पसंद आया हो तो लाइक या शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी और विषय के साथ आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।